मेरे साथ है यहाँ पे प्रणब भैया। प्रणब भैया हाय। हेलो। मेरे ब्लॉग्स देखते हो कैसे लगते हैं? सेक्सी एकदम। तो प्रणब भैया कैसे लगते हैं ब्लॉग मेरे? बहुत अच्छे भैया। ठीक है भैया, देखो ये देखो गाइस अपनी टी शर्ट कहाँ से ली है? भैया बाड़ी मल्ले से। भैया बाड़ी मल्ले कितने की बड़ी? 400 रुपए की भैया। और काफी अच्छी लग रही है सच। हमारा भी टाइम था जब हम यहाँ पे क्लास से लगाते थे। तो प्रणब भैया हमने यहाँ पे कितनी क्लास लगाई है ना? बहुत ज्यादा भैया। मेरी ये सेक्शन होती है सेक्शन ए। अभी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कॉलेज को मैं कभी नहीं भूलूंगा भैया, बहुत अच्छा कॉलेज है भैया। ये मलिंगा भाई क्यों कट कर देंगे? दिया तो फ्रेंड भी मजा आया। नमन भैया एक नंबर। तो भैया आपका नाम? आपका नाम? अमित झंडियाल। अमित झंडियाल मजा आया भैया? भैया अभी मूड पे नहीं है भैया। आप कैमरा चला रहे हैं? So guys, काफी दिनों के बाद मैं अपने कॉमर्स कॉलेज में आया हूँ। So, देखो जो रौनक लग रही है ना यहाँ पर, क्या बताऊँ। लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, आधे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये बॉल देख लो काफी। और ये हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपने देखा होगा काफी ज्यादा ब्लॉग्स में मैंने, मतलब कि एक बार शूट किया था पहले मैंने, तो वहाँ पर कोई 1000 व्यूज आए थे इस ब्लॉग में। तब सचिन और वगैरह सारे थे। तो आज यूनिक यहाँ पर नए नए एडमिशन हुई हैं सारे। तो बच्चे यहाँ पर देखो बैठे हुए हैं आधे, कुछ मतलब वहाँ पर स्टाफ रूम है तो उस साइड यहाँ पर डिपार्टमेंट है सारे। और ये बैट बॉल खेलते हुए एक बॉल आती है यहाँ पर अभी, और ये मिस हो गई। सो गाइस मेरे साथ हैं यहाँ पर प्रणब भैया। प्रणब भैया हाय। हेलो। तो हमारे साथ यहाँ पर नमन भैया। नमन भैया कैसे हो? बस बढ़िया भैया, आप बताओ। तो नमन भैया हमारे ब्लॉग देखते हो कैसे लगते हैं? सेक्सी एकदम। तो प्रणब भैया कैसे लगते हैं ब्लॉग मेरे? बहुत अच्छे भैया। तो अभी आप क्या यहाँ पर बैट बॉल प्ले कर रहे हो? हाँ भाई देखने हैं। सो गाइस अभी हमारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हुई हैं यहाँ पर, अभी बच्चे वेट करते हैं। हमारा भी टाइम था जब हम यहाँ पर क्लासेस लगाते थे। तो प्रणब भैया हमने यहाँ पर कितनी क्लासेस लगाई है ना? बहुत ज़्यादा भैया। बहुत ज़्यादा क्लासेस लगाई। मेरी ये सेक्शन होती है सेक्शन ए। अभी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कॉलेज को मैं कभी नहीं भूलूंगा भैया, बहुत अच्छा कॉलेज है भैया। नमन भैया ये सारे यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे भैया। यहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस लगाई है सच में, क्या बताऊँ मैं। बच्चे यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं क्लासेस का। नमन भैया कितना टाइम लगता है बॉडी बनाने में आपके हिसाब से? 25 दिन में बॉडी डबल। सो गाइस प्रणब भैया की लुक देखो कितनी तगड़ी लग रही है। और प्रणब भैया अपनी टी शर्ट कहाँ से ली है? बाड़ी मल्ले से भैया। बाड़ी मल्ले कितने की बड़ी? 400 रुपए की भैया। और काफी अच्छी लग रही है सच्ची में, काफी अच्छी आपकी मतलब लुक भी लग रही है। सो गाइस ये इग्नू ब्लॉक है, और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और ये हो रहा है हमारा स्पोर्ट्स ब्लॉक, और ये प्रिंसिपल जी का यहाँ पर मतलब ऑफिस वगैरह सारे हैं, और क्लासेस भी इस साइड सारी जगह। और ये पूरा पार्क हो रहा है, वहाँ पर NCC भी हो रही है, और ये बैट बॉल प्ले कर रहे हैं, और सामने वॉलीबॉल प्ले कर रहे हैं। और ये भैया वगैरह सारे फेमस बंदे हैं। सो भैया आपका कौन सा सेमेस्टर है? मेरा भाई पासवर्ड हो गया। पासवर्ड हो गया ये आउटसाइडर है। तो कॉलेज का पासवर्ड हो गए हैं भैया। तो ये नमन भैया मेरे फ्रेंड्स लोग तो मजाक करते रहते हैं, आपको पता ही है। तो NCC चल रही है वहाँ पर, और इंडिया का मैच भी, इंडिया बांग्लादेश का। इंडिया अगर जीतेगी तो सेमीफाइनल के करीब पहुँच जाएगी आज। सो गाइस ये नमन भैया का जितना भी मेहनत की है, इनकी बॉडी देख लो, एब्स देखो कितने एब्स हैं, सिक्स पैक दिख रहे हैं मेरे को भैया। देखो ये देख लो गाइस, तो जितने भी मेरी व्लॉग की जो देखते हैं क्यूटीस, तो देख लो वैसे ही नहीं करना, इरिटेट नहीं करना। सो गाइस अभी मैं प्रणब भैया के साथ जा रहा हूँ, क्या नाम है, साइंस कॉलेज। वहाँ पर थोड़ा कुछ काम है, मतलब डिग्री के लिए भी पूछ लूँगा, तो चलते हैं अभी से। और प्रणब भैया की बुलेट, और ये NCC वगैरह हो रही है अभी यहाँ पर। और ये यहाँ पर पहले वॉशरूम सही नहीं बना था हमारे कॉलेज का, वॉशरूम तगड़ा बन चुका है। चलो चलो। सो गाइस हम निकल चुके हैं साइंस कॉलेज की तरफ प्रणब भैया जी की बुलेट में, उससे तो एंट्री मारेंगे हम। और बच्चों को देख लो, अब इस इलाके में क्राउड बड़ा होता है, मैंने एक बार नोटिस किया है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है इस इलाके में। जो बंदा यहाँ पर गाड़ी चलाना सीख जाए ना, वो परफेक्ट है। अब साइंस कॉलेज का भी थोड़ा टूर देख लो आप। ये पहले यहाँ पर पार्किंग की कार लगाने की जगह है, और चलते हैं अंदर। और ये साइंस कॉलेज का कॉमर्स कॉलेज की यहाँ पर। तो ऐसे अंदर बाइक अलाउड नहीं है। प्रणब भैया जी की काफ़ी ज़्यादा बात हुई है, तो यहाँ पर अंदर बाइक अलाउड हो चुकी है हमें। अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, वही देख लो, कोई गाड़ी वगैरह दिख रही है आपको? कोई नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ प्रणब भैया जी के बुलेट चलेगा। और एक कैंटीन है यहाँ की, नेस कैफे यहाँ पर हमारी साइंस कॉलेज की। रिएक्शंस बड़े आ रहे हैं यहाँ पर। ये भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, बॉटनी, जॉलजी, स्पोर्ट्स ऑफिस, यहाँ पर सारा कुछ है यहाँ पर।
तो गाइस यहाँ भी काम हो चुका है, जो नॉर्मल हमने करना था वो काम कर लिया हुआ है। अब फिर से दोबारा चलते हैं अपने कॉमर्स कॉलेज में। डिग्री बारे पूछा, कहते हैं डीजी बॉटल में तो आ चुकी है, अभी थोड़ा सा और मतलब कि जो पूरा प्रोस्पेक्टर होएगा वो कॉलेज आके मिलेगी डायरेक्ट, थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो महीने लग जाएंगे उसके लिए। तो चलते हैं वापस अपने बैकग्राउंड पर। और गाइस ये हमारे जम्मू का ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड ही हो यहाँ पर। मैंने थोड़ी दिन पहले ना मैं यहाँ पर अपने लाइफ अपने हाथों में मैंने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर सुरेश राणा जी को देखा था मैंने, जे एंड के क्रिकेट एसोसिएशन, यहाँ पर मैचेस वगैरह अब्दुल समाद वगैरह सारे और उरमान मलिक वगैरह यहाँ पर सारे आते हैं। और ये प्यार से डॉगी ये भी यहाँ पर ऑफिस आ रहा है, साइंस वाले काफ़ी बड़ा है। सो गाइस हम यहाँ पर भी आ चुके हैं, BBA कॉलेज है ये भी देख लो, यहाँ भी क्रिकेट खेलते हुए कॉमर्स कॉलेज की तरह ही। ये भी इधर का घास काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये डिपार्टमेंट को यहाँ पर अवेलेबल कोर्सेस हैं, स्टडीज होती है वगैरह सारा। और यहाँ पर खेलने का भी काफ़ी अच्छा, यार मैं इस कॉलेज में आया हूँ इस साइड थोड़ा आगे में पहली बार आया हूँ। यहाँ पर बैडमिंटन का कोर्ट भी है और ये पूरा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का क्लासरूम ब्लॉक्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ग्राउंड फ्लोर, तो काफ़ी प्यारा है, इतना प्यारा घास देखो। नेस कैफे भी यहाँ पर अच्छी एस कैफे है यहाँ पर। सो गाइस अभी नमन दिया खेलते हुए, सो गाइस अभी हमने प्रणव भैया मैंने वगैरह सारी फोटोज वगैरह क्लिक की, साइंस कॉलेज की डिग्री घर में पूछा तो कहते हैं अभी एक दो महीना लग जाएगा आपको और। सो अभी हम साइंस कॉमर्स कॉलेज में ही हैं, थोड़ा बहुत बस यहाँ भी बैट बॉल वगैरह खेल रहे हैं, तो उसके बाद जाते हैं सीधे घर पर ही जाऊँगा मैं सीधे। और इंडिया का मैच भी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई नो इंडिया के लिए मैच जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आज का मैच हार जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और साथ में सेमीफाइनल के उनके लिए चांसेस बहुत कम हो जाने वाले हैं। तो अब मैं बताते हैं नमन भैया यहाँ पर बैटिंग वगैरह कर रहे हैं, मे भी एक शॉट खेलूँ अगर खेलने देंगे प्रणव भैया मेरे को, तो चलो खेलते हैं। भाई तेरे को उसने उंगली पुटाई, तू हाथ पकड़ रहा है, एक बॉल से चार पे आ गया। भाई क्यों कट कर देंगे? चुप जा ना। सो गाइस नमन भैया बॉल बाहर फेंक रहे हैं, इनको गुस्सा आ गया, इनको बैटिंग नहीं मिली है। ये देखो ये मारी है इन्होंने शॉट, नेक्स्ट ट्राई फिर से करेंगे, मारो मेरी बारी इसके बाद अगर नहीं लगी। बिल्डिंग क्रॉस कर दो, चलो जी कैसे लग रहा आपको खेल के? पकोड़े वाले ने पकोड़े की डिब्बे बेचना है। चलो तो यहाँ पर हमने गैट बॉल खेला, मज़ा आ गया, आप चलते हैं सीधे घर पे ही। और ये था पूरा कॉमर्स कॉलेज का, काफ़ी दिनों के बाद आया मज़ा आया, तो चलते हैं सीधे बाहर। सो गाइस इन एट द एंड हमने सारा कुछ यहाँ पर प्ले कर दिया, तो फ्रेंड भैया मज़ा आया बहुत, नमन भैया एक नंबर। तो भैया आपका नाम? आपका नाम? अमित झंडियाल। अमित झंडियाल मज़ा आया भैया? भैया अभी मूड पे नहीं है भैया, ऑफ कैमरा था भाई, शायद कैमरा शायद कैमरा भाई। बहुत अच्छा कॉलेज है आप लोगों के लिए, 4 साल बैकलॉग लगी इधर बच्चों की। तो प्रण प्रण भाई जब पढ़ोगे ना तो ऐसे ही होगा ना। प्रण भैया क्या बोलना चाहिए? ये कॉलेज बहुत अच्छा है, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो सो यहाँ पे लोग आते हैं आधे भाग्य वो समझ के, सो जो पढ़ने आते हैं पढ़ते हैं, इसलिए कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो और टीचर्स भी क्वालिफाइड है, टीचर्स बहुत अच्छी है।